खबर सारण बिहार से, नीतीश सरकार में अफसर शाही चरम पर है, छोटे से अधिकारी भी नेता की नहीं सुन रहे। हालात यहाँ है कि स्पीकर की बात एक थानेदार नहीं सुन रहा है, इसी से समझा जा सकता है कि बाकी की स्थिति क्या हो सकती है, सरकार में क्या चल रहा है। उक्त बातें आज तेजस्वी यादव ने सारण MLC से राजद समर्थित अभ्यर्थी सुधांशु रंजन के पक्ष में मतदान के लिए मढ़ौरा के टेहरी डिग्री कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मुकेश साहनी पर चुटकी लेते हुए कहा, विधानसभा में मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन वे नहीं माने, अब उनका रिचार्ज खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव ने उपस्थित जनसमूह से अनुरोध किया कि आप सभी अपने पंचायत प्रतिनिधि पर दबाव बनाने की बिहार के विकास के लिए राजद को मजबूत करें। राजद को पिछली बार ही लोगों ने जनाधार दे दिया था लेकिन यह सरकार चोरी से सत्ता पर आ गई। अब इस निकाय चुनाव में राजद को ऊपरी सदन में भी मजबूती प्रदान कराना है। प्रत्याशी सुधांशु रंजन ने सभी से सारण के विकास और जनप्रतिनिधि के मान सम्मान के लिए वोट देने की अपील की। मढ़ौरा विधायक जितेंद्र कुमार राय, बिहार मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय, परसा विधायक छोटेलाल राय, बनियापुर विधायक केदार सिंह, करखा विधायक सुरेंद्र राम, माजी विधायक सत्येंद्र यादव, आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद, राजद जिलाध्यक्ष सुनील राय, पूर्व विधायक रणधीर सिंह, मुख्य पार्षद ललन राय ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर विष्णु गुप्ता, प्रतिमा कुशवाहा, प्रीतम यादव मढ़ौरा मुखिया संघ के अध्यक्ष, परमात्मा राय, कमलेश प्रसाद, उपेंद्र माझी, मनोहर यादव, जिलानी मोबिन सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। एक एक करके गाड़ी बढ़ावे की जरूरत है। जो विधानसभा में जो परिणाम आए हैं, ये विधान परिषद के चुनाव में भी गाड़ी बढ़ाना पड़ेगा। अरे पूरा विधानसभा चुनाव मतलब 24 सीट के चुनाव नहीं थे, बता दो के वो बार अगर छूटल हो जरा के वोटर ना हो, एक बार पंचायत बता दो जरा के वोटर ना हो, पूरा बिहार के लोग वोट पाओ। सब जनप्रतिनिधि नयका चुनल वही सब वोट दिए, यानी अगर 24 में से अगर हम लोग 15 सीट जीते हैं तो समझ जाते हैं जनता ने परिषद में बहुमत विपक्ष के लोगों को दिया, हम लोगों को दिया। रवा लोग समझेंगे नगर का